आखिरी पल तक लग रहा था कि तुम मुझे रोक लोगे। बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने तुम्हें। मैं माफी मांगना चाहता था पर मांग नहीं पाया। माफ करना करती भाई, घर पे मेहमान है ना, इसलिए वक्त पर पैसे पहुंचा नहीं पाया। माफ तो मुझे कर दो विद्या भाई, मैंने खबर से घर में कोई नहीं जानता कि आपने घर गिरवी रखा है, पर क्या करूं, आज ही शहर जाना है मने को, इसलिए आना ही पड़ा। मान तो नहीं खानती भाई, बस गलती से भी इस बात का पता किसी को घर में ना चले। भरोसा रखो विद्या भाई। अच्छा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कांति भाई को देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। जब ब्याह के पहली बार इस घर में आई थी, हम दोनों ने साथ मिलकर थापे लगाए थे इस घर में, और फिर इन्हीं हाथों से यह घर गिरवी रखना पड़ा। 25 साल हो गए कुमुद के बापू, अब तक हम कर्जा नहीं चुका पाए। पर ये भी तो सोच गुनियल, हमने लक्ष्मी नंदन के लिए कर्जा लिया था, वो आज भी हमारा है, बल्कि वो और पास आ गया है हमारे। सरस और कुमुद के रिश्ते के बाद यही तो जीवन की पूंजी होती है ना गुनियल। उसी के साथ कह सकती है कुसुम कि वो नहीं आएगा। कई बार दिल हमें झूठा दिलासा, झूठी उम्मीद देता है। मत भूलो दीदी, हमने जैसा सोचा था उससे कहीं अलग निकला था वो। हो सकता है इस बार भी चौंका दे हमें। फिर शर्त क्यों नहीं लगाए? ठीक है, लगी शर्त, वो वापस आएगा और हमेशा की तरह मैं ही जीतूंगी। इस बार नहीं कुसुम, इस बार नहीं। भाई साहब, ये बस कितनी देर में जाएगी? 1 घंटे में आ जाएंगे भाई साहब। थैंक यू। यहाँ पे कोई रेस्ट हाउस होगा? मेरा मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ थोड़ी देर रुक सके। तो ऐसा बोलो ना भाई, वो सड़क के उस पार एक मंदिर है और वहीं पास में तुम्हें चाय नाश्ता भी मिल जाएगा। ठीक है? थैंक यू। मैं तो तुमसे और तुम्हारे परिवार से माफी मांगने आया। पर तुमने क्या किया? तुम तो मुझे अपना चेहरा तक दिखाना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। तुम्हें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी बुलाकर बहुत बड़ी भूल की है, और अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ, तुम जा सकते हो, गलती से भी घर पर पता चल गया कि ये गाड़ी लेकर मैं तुम लोगों के साथ पूरी रात बाहर था, तो विद्या काका तो मुझे उल्टा लटका देंगे। मस्ती मत करो यार, घर पहुंचने में पहली देर हो चुकी है। Thank you.
कोई अपशकुन मत करना भगवान। वादा करती हूँ आज बापू को बता दूंगी।